परिवर्तन किसमें हो रहा है उसको सबसे ऊपर रखना है। यहाँ भी देखिए मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, आय में परिवर्तन होने से यहाँ पर मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। किसी एक वस्तु की कीमत में बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर रखना है। कल के सेशन में हमने मांग की लोच का अर्थ समझ लिया था, मांग की लोच के प्रकार समझ लिए थे, ठीक है, कि मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है। मांग की लोच हमने देखी हुई थी, प्रकार देखे हुए थे, कितने होते हैं, तीन होते हैं। नंबर एक था मांग की कीमत लोच, नंबर दो मांग की आय लोच, और नंबर तीन पर था मांग की आड़ी लोच, ठीक है। ये तीन प्रकार थे किसके, मांग की लोच के। इसमें से हमने समझा हुआ था कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, तो मांग की कीमत लोच वह होती है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन हुआ है, यदि वस्तु की कीमत कम हुई है तो मांग बढ़ जाएगी, तो मांग कितनी बढ़ जाएगी, यदि वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है तो मांग कम हो जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मांग की कीमत लोच का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने एक सूत्र भी देखा हुआ था, मांग की लोच का सूत्र था ई पी इक्वल टू, ऊपर था मांग में आनुपातिक परिवर्तन और इसको भाग दिया गया था कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से, ठीक है। ये हमने सूत्र देखा हुआ था किसका, मांग की कीमत लोच का, मतलब कि मांग की जो कीमत लोच है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उससे भाग दे देंगे, तो हमें मांग की कीमत लोच प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने मांग की जो कीमत लोच है उसके प्रकारों के बारे में भी समझा हुआ था, पांच श्रेणियों में उसकी गणना की जाती है, जो मांग की कीमत लोच है इसको पांच श्रेणियों में बांटा जाता है, तो वो भी हम देख चुके हैं, ग्राफ के द्वारा समझ चुके हैं कौन कौन सी होती हैं श्रेणियां। नंबर एक पर होती है पूर्णतया लोचदार मांग, नंबर दो अत्यधिक लोचदार मांग, नंबर तीन लोचदार मांग, नंबर चार बेलोचदार मांग और नंबर पाँच अत्यधिक बेलोचदार मांग। इन सब की विवेचना हम कल के सेशन में कर चुके हैं, चैनल पर वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा रह गया था क्या, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, इन दोनों पर आज हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम मांग की आय लोच को देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें, कल हमने जो पढ़ा हुआ था उसमें क्या, कल का जो टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ अंतर है क्या, ठीक है। तो अंतर हमको यही टॉपिक में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा शीर्षक है उसी में समझ में आ जाएगा कि मांग की लोच के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा हुआ था। मांग की लोच के प्रकार कितने प्रकार थे, तीन प्रकार थे, ठीक है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। अब तीनों प्रकार में हमें तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं जिनके आधार पर मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। तो कीमत में जब परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ज्ञात करने के लिए हम मांग की कीमत लोच का ये सूत्र प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नंबर दो पर जो मांग की आय लोच है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसमें किस में परिवर्तन देखेंगे हम, उपभोक्ता की आय में, ठीक है। मतलब उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होगा और अन्य बातें समान रहेंगी, अन्य बातें समान कौन कौन सी रहेंगी, वस्तु की कीमत को नहीं देखना है हमें, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत स्टेबल रहेगी। इसके अलावा किसी भी वस्तु की मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं, ये वीडियो भी चैनल पर है उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं वो भी सेम रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो परिवर्तन होगा वो उपभोक्ता की आय में होगा। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह अधिक वस्तुओं का उपभोग करने लगता है, यदि कम हो जाती है तो उसमें कटौती कर देता है और कम वस्तुओं का प्रयोग करने लगता है। तो जब उपभोक्ता की आय जो होती है बढ़ जाती है, बढ़ने पर यदि वह अधिक उपभोग करने लगता है तो कितना अधिक उपभोग करने लगा है, या बस उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तुओं की जो संख्या है क्वांटिटी है उसमें कमी कर देगा,
तो कितनी कमी कर देगा, इसको ज्ञात करने के लिए मांग की आय लोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बुक में देख लेते हैं क्या दिया है। मांग की आय लोच का आशय है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब उपभोक्ता की आय यदि दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ तो निश्चित है कि उपभोक्ता की आय दुगनी हो गई है, या ये कहें कि 50% की वृद्धि हो गई है, तो क्या हुआ, डेढ़ गुना हो जाएगी। अभी जो आय हो रही है उसकी वो डेढ़ गुना हो जाएगी। मान लीजिए यदि 100 रुपये उसकी आय है एक दिन की, और दुगनी हो जाती है तो कितनी होगी, 200 रुपये, और 50% बढ़ जाती है तो 150 रुपये। यदि 100 रुपये में जो वस्तुएं वह क्रय कर रहा था या जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा था, वस्तु उसकी आय जब दोगुनी हो जाती है तो उन वस्तुओं में वृद्धि करेगा तो कितनी करेगा, और यदि कम हो जाती है तो कमी करेगा तो कितनी करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम मांग की आय लोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब परिभाषा क्या दी हुई है देखिए। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर, ये पहले बता दिया है कि अन्य बातें समान रहने पर, मतलब कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना है, जो अन्य कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं उसमें उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, केवल जो परिवर्तन होने वाला है उपभोक्ता की आय में। ठीक है, तो अन्य बातों के समान रहने पर आय के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में, इसमें मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के आधार पर वस्तु की जो मांग है या मात्रा है, मांगी गई मात्रा है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए हम मांग की आय लोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक, तो जो प्रोफेसर वाटसन की जो परिभाषा दी है, यदि ये पूछा जाता है प्रोफेसर वाटसन के अनुसार मांग की आय लोच क्या होती है, तो जो उन्होंने लिखा है एज इट इज हमको लिख देना है। क्या लिखा है, अन्य बातों के समान रहने पर आय के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक है, अब इसको ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, ज्ञात करने के लिए हम देखिए जो पहला सूत्र है हमारा। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है जो मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं या अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, ईपी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से हम मांग की आय लोच में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब E बराबर इलास्टिसिटी ऑफ मांग। ठीक है, यहां हम कीमत को ले रहे थे मांग की कीमत लोच में, तो हमने क्या लिखा था, प्राइस। यहां हम किसको ले रहे हैं, आय को, तो यहां कर देंगे हम आई यानी इनकम। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, जब हम मांग की कीमत लोच निकालते हैं तो मांग में जो परिवर्तन होता है उसको भागित कर देते हैं कीमत में हुए परिवर्तन से। इसी प्रकार आय की, मांग की आय लोच में हम जब लोच निकालते हैं तो क्या करते हैं, मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसको भागित कर देते हैं उपभोक्ता की आय में हुए आनुपातिक परिवर्तन से, तो हमको मांग की आय लोच निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनका हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन अभी इन तीनों का अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा फिर आगे। ठीक है, तो इनका जो गणितीय कैलकुलेशन है वो हम आगे की क्लास में करेंगे, आज तीनों को हम समझ लेते हैं। तो हमारा दोनों हो गया, मांग की आय लोच को समझ में आ गया क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वह किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन करता है, तो कितना परिवर्तन हुआ उसको ज्ञात करने के लिए मांग की आय लोच का प्रयोग करते हैं। और उसका सूत्र क्या है, मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम भाग कर देंगे किससे, आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से, तो हमें मांग की आय लोच प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा है हमारा मांग की आय लोच। अब मांग की आय लोच थोड़ा सा अलग है, इसको हम थोड़ा सा अलग समझेंगे। इसके लिए हम दो वस्तुएं ले लेते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए चाय है और कॉफी है। ठीक है,
यदि दोनों की प्राइस सेम रहती है, दोनों की कीमत बराबर रहती है, तो उपभोक्ता जिसको ज्यादा पसंद करता है उसके अनुसार वह उसका उपभोग करता है। मान लीजिए चाय अधिक पीते हैं तो चाय की मांग अधिक रहेगी, और कॉफी लोग अधिक पीते हैं तो कॉफी की मांग अधिक रहेगी। लेकिन जब इनकी प्राइस में अंतर हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए चाय लोग ज्यादा पीते हैं, ठीक है, और चाय की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाती है और कॉफी की कीमत में स्टेबिलिटी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लोग क्या करेंगे, दोनों ही पेय पदार्थ हैं, ठीक है, चाय भी पेय पदार्थ है, कॉफी भी पेय पदार्थ है, लोग किसको पीना पसंद करेंगे, फिर कॉफी को अधिक पीना पसंद करेंगे, क्योंकि सस्ती भी है और लेवल भी थोड़ा अच्छा है। तो ये सब देखा जाता है। तो मांग की आड़ी लोच उन्हीं वस्तुओं की मांग में जो परिवर्तन होगा किसी एक वस्तु की, मान लीजिए चाय है और कॉफी है, यहां मान लेते हैं एक्स है, एक वस्तु अलग है, ठीक है, एक्स वस्तु हुई, और दूसरा मान लेते हैं हम वाई वस्तु, ठीक, ये दो वस्तुएं हैं, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं, मान के चले ऐसे चाय और कॉफी, हम चाय और कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन आगे हमको फॉर्मूला भी बनाना है तो उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं, ठीक। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब इनकी इनकी किसी एक वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन हो, ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे दूसरी वस्तु की मांग में कोई जो परिवर्तन होता है, ठीक है, एक वस्तु की जैसे कि ये एक्स, जैसे चाय है, मैंने चाय इसको हम चाय एक्स वस्तु हम मान लेते हैं चाय, और इसको मान लेते हैं हम कॉफी, ठीक है, एक्स वस्तु है चाय, चाय की वस्तु जो प्राइस है इसकी जो कीमत है ये बढ़ जाती है, ठीक, इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, तो यहां क्या हो जाएगा, मांग इसकी मांग कम हो जाएगी। अब इसकी मांग कम होने से इसके स्थान पर जो हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं वो कौन सी है, कॉफी, तो इसकी मांग इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मांग है वह क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय के स्थान पर हम कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ गई है, उसको ज्ञात करने के लिए, अब परिवर्तन तो होगा ये हमको मालूम है, लेकिन कितना परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, मांग की आड़ी लोच का प्रयोग किया जाता है। तो मांग की आड़ी लोच बनी होती है। अब देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। यदि एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर हैं या एक दूसरे की पूरक हैं, तो इनमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, मांग की आड़ी लोच उस दर की ओर संकेत करती है जिससे कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तित मांग परिवर्तित होती है, दूसरी वस्तु की मांग परिवर्तित होती है, ठीक है। तो हमको यही लिखना है कि मांग की आड़ी लोच यह दर्शाती है पूरक वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुओं के हुए किसी एक वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मान के चलिए दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, यदि ये मान के चलें एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है तो वाई वस्तु की जो मांग है वह बढ़ जाएगी। अब वह मांग कितनी बड़ी हुई है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग, मांग की आड़ी लोच का प्रयोग किया जाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए भी जो फॉर्मूला है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा दिखेगा कि नहीं, नीचे कर लेता हूँ मैं, मांग की आड़ी लोच, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सी, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ई सी कर लेते हैं हम, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब परिवर्तन किस में हो रहा है, हम परिवर्तन किस में किया है, हमने कीमत में परिवर्तन किस में किया है, एक्स वस्तु में, ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, और हाँ वाई वस्तु की जो मांग है उसमें
क्या परिवर्तन होगा उसको ज्ञात, कितना परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हमको सेम रखना है। ठीक है, यहाँ क्या किया था हमने, मान में आनुपातिक परिवर्तन हुआ था तो किसको ऊपर रखा था, जिसमें परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ परिवर्तन किसमें हो रहा है, बाय में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग, तो बाय वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसको भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे, एक्स वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से, एक्स वस्तु ठीक है, जिस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया है, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया है तो बाय वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है, अब बाय वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है उसको भाग कर देंगे एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, तो जो निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, मांग की आड़ी लोच। ठीक है, क्या निकल के आएगा हमारे लिए, मांग की आड़ी लोच। ठीक, अब यही है और ऐसा का ही ऐसा हमको लिखना है, किसमें, जब ये प्रश्न पूछा जाएगा क्या होती है तीनों, तो तीनों के सूत्र ये हैं। ठीक है, मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या है, ईपी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन किसमें हो रहा है उसको सबसे ऊपर रखना है, यहाँ भी देखिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, आज में परिवर्तन होने से यहाँ पर मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, किसी एक वस्तु की कीमत में बढ़ जाने से दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर रखना है और किस कारण से परिवर्तन हो रहा है उससे भाग दे देना है। इसमें कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो रहा है तो कीमत में होने वाले परिवर्तन से भाग दे देंगे, इसमें आय में होने वाले परिवर्तन से मांग परिवर्तित हो रही है तो आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देंगे, यहाँ पर जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे भाग दे देंगे, जिस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये मांग की लोच निकल के आ जाएगी, तो मांग की तीनों लोच के जो तीनों प्रकार हैं, तीनों के फॉर्मूले ये हैं, तीनों के सूत्र हमने लिख लिए हैं, इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इसके बाद आ जाता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक और मांग की लोच का महत्व, तो वो भी हम आगे देखेंगे आगे की क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि आगे अधिक ले जाने से वीडियो लंबा हो जाता है और उसमें बोरिंग आ जाती है, फिर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो अभी मांग की लोच के जो प्रकार है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये कोशिश की है पूरी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मांग की आय लोच क्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मांग की आड़ी लोच क्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों हम देख चुके हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। अब हम एक एक उदाहरण लेकर इन तीनों की गणना करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग की लोच का महत्व ये और देख लें, इसके बाद हम एक एक उदाहरण लेकर तीनों का एक प्रश्न हल करेंगे जिससे कि हमको और क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप सिर्फ कीमत, मांग की कीमत लोच क्या होती है उसको समझें और उसका क्या फॉर्मूला होता है, मांग की आय लोच क्या होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मांग की आड़ी लोच क्या होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये समझ लें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।